सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सेवाकांत पाठक आप लोगों के सम्मुख सत्य न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस करता रहा हूं। आज हम आप लोगों के सम्मुख ह्यूमन वैल्यू इन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के एक और नए लेक्चर को लेके उपस्थित हूं, जिसमें आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक अनेकांतवाद पे चर्चा करूंगा। तो चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं ह्यूमन वैल्यू इन जैन दर्शन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज एकांतवाद की चर्चा करेंगे। इस एकांतवाद की चर्चा करने से पहले यह समझ लें कि एकांतवाद का सिद्धांत है क्या। एकांतवाद का सिद्धांत है कि बिना किसी दूसरी विचारधारा का विरोध किए किसी भी घटनाओं का सही सही विश्लेषण करना, मल्टी एस्पेक्ट्स फिलॉसफी भी कहा जाता है अनेकांतवाद को। देखिए, कहते हैं कि सब्सटेंसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनफिनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। कोई भी पदार्थ है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विचार है, अनेकों तरह से परिभाषित किया जाता है। कोई कब करता है, किन परिस्थितियों में करता है, करते वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, और अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थितियां होती है और अलग अलग तरीके से उस बात को अपने समझ के अनुसार उसको करते हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत एक ऐसी विधि है कि हम किसी भी चीज को लेके किस तरह से सोचते हैं और किस हिसाब से उन चीजों का विश्लेषण करते हैं। देखें, अनेकांतवाद की एक और खूबी है कि डज नॉट एक्सेप्ट एन इनकम्प्लीट और पार्शियल व्यू, या किसी भी समस्या का आंशिक दर्शन नहीं रखता, कंप्लीट एनालाइज करता है, इनकम्प्लीट एनालिसिशन नहीं है इसका। और जो यह अपने विचारों को प्रकट करता है और उसके लिए जितने भी विचार उपस्थित है किसी भी विचार का से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, विरोध नहीं करता। अनेकांतवाद जो सोचता है वो प्रमोट करता है खुली मानसिकता को, अस्पष्टता को, और किसी भी विचार में पार्शियलिटी नहीं लगाता, इम्पार्शियल बिहेवियर, पूर्णतया निष्पक्ष होकर खुले दिमाग के साथ, अस्पष्टता के साथ सभी के विचारों का सही विश्लेषण करते हुए बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अपनी बात करता है। और जैन दर्शन की फिलॉसफी में अनेकांतवाद कैन बी सीन इजिली इन कंडक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रुप। मानवों का जो समूह है उसमें जो मानव के समूह का, समाज का जो व्यवहार है, अनेकांतवाद से बहुत अस्पष्टता और आसानी के साथ समझा जा सकता है। लाइफ इज सच दैट इट फेल्स टू एक्सप्लेन इटसेल्फ इन पार्शियल विजन। जीवन इतना बड़ा और रहस्य है कि इसको अगर हम आंशिक दृष्टि से देखेंगे तो इसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाएंगे, यह सत्य है। और अगर हम जब भी जीवन को सही रूप से समझना चाहते हैं तब हमको समग्र रूप से बिना किसी तरफ हुए अस्पष्ट दृष्टि के साथ अपने विचार को रखना पड़ेगा।
इसलिए कहा जाता है कि जैन दर्शन का जो अनेकवाद का सिद्धांत है वो सत्य को परिभाषित करता है, सत्य को स्पष्ट करता है कि सही क्या है। हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक जटिल है और एक अनंत प्रकार की वास्तविकताओं को लिए हुए है। तब हम अगर उसी समय इतने कॉम्प्लेक्सिटी समाज को जब हम देखने चाहते हैं तो यह बहुत असंभव है कि पार्शियल बिहेवियर से उसको संपूर्णता में देख पाए। इसलिए हमको जब भी कॉम्प्लेक्स होता है और कई लोगों को देखते हैं तो इसको दो चीजें हैं, इन पार्शियल होते हुए हर विचारों को देखना और समझना और उसके हिसाब से बातें करना। देखिए, इट इज ऑलवेज अ पार्शियल व्यू और रिलेटिव व्यू विथ रेस्पेक्ट टू बिलीव प्रीजुडिस मूड एंड पर्पज ऑफ स्पीकर। जो पार्शियल व्यू होता है, जब भी आप किसी को देखेंगे वह जो है किसी को लेके उससे तुलना करता है, कुछ विश्वास प्री कंडीशनिंग हमारे दिमाग में बना लिया है, फॉल्स बिलीफ उसके आधार पर होता है। हमने कुछ चीजें मान ली है, हमारा मूड क्या है, हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या इसके पीछे छिपा है। तो लोगों के कहने के तरीके अलग अलग पैरामीटरों के अलग अलग है, और जब भी अनेकांतवाद के अनुसार हम उसको सोचते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो हमको निष्पक्ष रहते हुए इन बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के हमको अपनी बात कहनी पड़ेगी। देखिए, जाने और समझे, एक कुछ उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण कि वन पीपुल मेक मी एंग्री, अदर पीपुल मेक मी एंग्री। एक व्यक्ति मुझे दुखी करता है, दूसरे लोग मुझे दुखी करते हैं। माई हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अदर्स ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल। अगर मैं एक के व्यवहार के कारण दुखी रहता हूँ या दूसरों के व्यवहार के कारण दुखी रहता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने प्रसन्नता सुख और दुख को दूसरों के ऊपर डिपेंड कर दिया है, मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। यह एक साइड व्यू है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक कोई है क्या, कोई दूसरे लोग हमें दुखी क्या क्रोधित कर देते हैं, लेकिन अनेकांतवाद के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ऊपर दिया जा रहा है कि ये अमुक व्यक्ति मुझे दुखी कर दे रहा है, ये एक साइड से सही हो सकता है, लेकिन यह संपूर्ण रूप में सत्य नहीं है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा सुख दुख दूसरों के द्वारा नियंत्रित है क्या। अगर मैं दूसरों के कारण क्रोधित होता हूं और दुखी होता हूं तो क्या मैं अपने आप को समझ पा रहा हूं क्या। इफ आई रिफ्यूज टू बिकम एंग्री देन नो आउटसाइड ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल कैन कंपेल मी टू बिकम एंग्री। क्या मैं मान लू कि अगर मैं कहूंगा कि मैं दुखी नहीं हूं तो क्या कोई दूसरा मुझे दुखी कर सकता है। इस बात को ऐसे कहा जा सकता है कि सोचे जांचे और परखे और देखे कि क्या दूसरों के कहने से मैं दुखी हो जाऊंगा। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, व्हाट इज द राइट अप्रोच, सही अप्रोच क्या है। उसके लिए तीन तरह की चीजें हैं। शुड आई बिलीव दैट माई रियल वर्थ इज माई ह्यूमन नेचर एंड माई सोल। क्या मुझे विश्वास करना चाहिए कि मेरी वास्तविक संपत्ति मेरा मानवीय व्यवहार और मेरी आत्मा है, और आई पे अटेंशन टू क्रिटिसाइज बाई अदर्स, शुड आई, क्या मैं दूसरे के क्रिटिसिज्म पे ध्यान दू, यह एक है, क्या यह सही अप्रोच होगा। दूसरा है, शुड आई इवेलुएट माई वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पावर गुड लुकिंग फीचर, क्या मैं अपने को नापू कि मेरा शरीर अच्छा है, बॉडी अच्छी है, फिगर अच्छा है,
मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, क्या मैं स्किल, मनी, फैमिली, फ्रेंड, इंटेलिजेंस इसके आधार पे अपने को रिलेट करूं? या अगर इसी चीज को हम अनेकांत बात से देखें, आई डू नॉट इग्नोर सदर्भ, मैं दूसरों के विचारधारा को एकदम खत्म से सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि अपना व्यवहार या अपनी आत्मा ही मेरी संपत्ति है, कोई कहता नहीं मेरा पैसा, मेरा पावर, मेरा मनी मेरे साथ इतने पीछे करे, ये मेरा पावर है। तो अगर इन दोनों विचारधारा को जैन दर्शन की अनेकांतवाद के विचारधारा से देखा जाए तो मैं तो अनेकांत भी अनेकांतवाद की विचारधारा यह कहती है कि आई डू नॉट इग्नोर अदर व्यूज, मैं दूसरे के विचारों को एकदम इग्नोर नहीं कर रहा हूं, खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई ऑल्सो डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्मॉल एंड इंफीरियर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिटिसिज्म। मैं दूसरों के क्रिटिसिज्म के अनुसार पे, दूसरों की आलोचना के आधार पे, दूसरे ने कह दिया ये बहुत खराब आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, और उसके आधार पर मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं ये भी नहीं करता। मैं सच को समझूंगा और जानूंगा कि मुझे क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे सोचना पड़ेगा कि माई जो है मेरा सही संपत्ति मेरा नेचर और मेरी आत्मा है, या सही संपत्ति मेरा पैसा मेरा घर है। इसमें देखना पड़ेगा किस हिसाब से हम चीजों को देखते हैं। अगर हम तीनों व्यूज में देखें तो पहले और दूसरे व्यूज में, पहली और दूसरी विचारधारा में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर मैं अपने को एकदम सही मान लू कि पहली वाली विचारधारा तो दूसरी वाली से घृणा हो जाएगी, और दूसरे वाले को मान लू तो पहले वाले को मैं पागल कर दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ठीक है लोग क्या कहते हैं इससे क्या मुझे फर्क पड़ता है, मैं क्या सोचता हूं मुझसे फर्क पड़ेगा, क्या दूसरे के दुखी करने से मैं दुखी हो जाऊं क्या, क्या मैं अपना सुख दुख दूसरों के ऊपर दे दिया हूं क्या, क्या ये मेरे लिए सही होगा क्या। इसको देखने के लिए जिन चीजों को हम देखने चल रहे हैं यह अनेकांतवाद का सिद्धांत है। इन अनेकांतवाद के सिद्धांत में जैन दर्शन में एक नयावाद भी है। नयावाद भी सोचने का अपना एक तरीका है जो चीजों का विश्लेषण करता है, और एक आदमी का सोचने का तरीका क्या है उसको सही रूप में जानने का प्रयास करता है। देखें, ह्यूमन परसेप्शन एंड नॉलेज इज लिमिटेड। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें हम बहुत छोटे हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। और जब हमारा ज्ञान सीमित होगा तो किसी चीज को लेके हमारी विचारधारा भी सीमित होगी, एक पार्शियल भी होगा। अब इसको देखना है, अब उनको जो है ह्यूमन परसेप्शन एंड नॉलेज इज लिमिटेड एंड टेक अ पार्शियल व्यू ऑफ द थिंग्स, अगर इस बात को मानते हैं तो सोचने के तरीके को नया ये कहा जाता है। और इस डील्स विद द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स आर स्टेट पॉइंट, या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को या पर्टिकुलर बिंग के विषय में चर्चा करता है, यह दूसरे एस्पेक्ट और दूसरे के पॉइंटों पे चर्चा नहीं करता। हम तीन चार लोग हैं, जैसे एक उदाहरण दे दूं कि सात अंधे हैं और सातों अंधों को एक हाथी का पैर मिल गया, तो साथी को हाथी का पैर मिल गया तो सातों लोगों से अलग अलग पूछा गया कि हाथी का पैर क्या है, तो किसी ने कहा कि यह जो है किसी पेड़ का तना है, किसी ने कहा यह लंबी दीवार है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा यह खंभा है। तो जो नया वाद है अनेकांतवाद में वो ये कहता है कि कोई गलत नहीं है, जिसने जिसको जैसे सोचा उसी हिसाब से एक्सप्लेन किया, क्योंकि किसी ने हाथी को सही रूप से नहीं देख पाया था इसीलिए उसकी किसी ने सही विश्लेषण नहीं कर पाया। इसलिए सही विश्लेषण करने के लिए आत्मा से हाथी को सही रूप से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये उदाहरण ये कहता है कि हमको सत्य के सही दर्शन करने पड़ेंगे, वरना हमारी स्थिति आज की समाज में यही है कि हम अंधे के रूप में है। जो कह दिया मैंने छुआ हाथी का पांव और मुझे केले का पेड़ लगा, किसी ने केले का पेड़ कर दिया, किसी ने दीवार कर दिया, किसी ने खंभा कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया,
ये जो नया दर्शनवाद है यह दो प्रकार का है। पहला जो है द्रव्यार्थ किया नया, और दूसरा है पर्यार्थिक नया, द्रव्यार्थिक नया और पर्यार्थिक नया। जो द्रव्यार्थिक नया है रिफर टू द जनरल एट्रीब्यूट ऑफ सब्सटेंस एंड डू नॉट एंड नॉट टू इट्स मॉडिफिकेशन। जैसे मैं आत्मा हूं, आई एम सोल, और जो पर्यार्थिक नया है रिफर्स टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मूड। जैसे मानव का होता है कि मां जब हम अपने को शरीर मान के जीते हैं, तो जब हम अपने को शरीर मान के जीते हैं तो देश काल परिस्थितियों के बदलने पर मेरी विचारधाराएं भी क्या होती है, बदलती रहती है, तब मैं सत्य को पागल कर देता हूं। और जब मैं सही रूप से आत्मा को समझता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा एब्सोल्यूट है, मेरे कर्मों ने जाके वहां उसको ढक दिया है, तो मैं उसको इस हिसाब से जनरल एट्रीब्यूट ऑफ सब्सटेंस रिफर्स टू फर्स्ट द्रव्यार्थी का नया, और पर्यार्थी का नया रिफर्स टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मूड को। जो एक आदमी कहता है आदमी के रूप में जब वो जीता है, शरीर के रूप में जीता है, तो उसके ऑब्जर्वेशन बदलते रहते हैं। दूसरा है नया इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज निश्चय नया और व्यवहार नया। निश्चय नया इज ट्रांसीडेंटल नया, इट इज रिकॉग्नाइज द रियल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह किसी भी ऑब्जेक्ट की वास्तविक प्रकृति को बताता है। व्यवहार नया क्या रिकॉग्नाइज करता है, क्या पहचानता है, पार्टिकुलर एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन कर उसके किसी विशेष लक्षण को पहचाता है, और उसके आधार पर वह दूसरों से इसको अलग करता है वास्तविक में, और दूसरों से कंपैरिजन करके उसको अलग करना। अलग करना व्यवहार नया, उसके पूरे कैरेक्टर को समझना निश्चय नया। जो दोनों नया है, ये दोनों की जरूरत है संपूर्ण समझ के लिए, ज्ञान के लिए। टू अंडरस्टैंड सोल फ्रॉम द टू पॉइंट ऑफ व्यू, नयावाद में द्रव्यार्थी का नया और पर्यार्थिक नया दोनों की जरूरत है। नया वाद यह वार्निंग देता है दर्शन शास्त्रियों को कि कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं है, और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, समग्रता में नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, या मैं कहूं आज तक कोई यूनिवर्सल सिद्धांत आया ही नहीं है। चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स का अध्ययन होने के कारण, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, जितना ज्ञान मुझे है, या मैं मानव बिहेवियर, चाहे मैं मध्यस्थ दर्शन की बात करूं, जैन दर्शन की बात करूं, बौद्ध दर्शन की बात करूं, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव थियोरी नहीं है। यह समझना है, यह फिलोसफरों को, सोचने वालों को एक वार्निंग देता है यह विचारधारा कि आप इसको नए नजरिए से देखिए। इट कॉल फॉर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्यू पॉइंट्स ऑफ हार्मोनी इन द सोसाइटी। देखिए यही, और इसी कारण समाज में कॉन्फ्लिक्ट है, विचारों में कॉन्फ्लिक्ट है, व्यवहारों में कॉन्फ्लिक्ट है, और यही दुख का कारण है। सुन के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर और विश्व के अंदर, और इसी बात को लेके हमको समझना है, जीना है और आगे चलना है। देखिए स्यादवाद है, इंप्लाइज ये जो है, ये क्या कहता है, सिंथेटिक मेथड टू ब्रिंग हार्मोनी बिटवीन एनालिटिक स्टैंड पॉइंट। ये एक सिंथेटिक मेथोडिक है जो ये प्रस्तुत किया गया मेथड है स्यादवाद। तो यह हार्मोनी, सरलता, सहजता, मधुरता, उदारता लाने के लिए है, किसमें, एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट। जब हम विश्लेषण करके किसी बातों को लाते हैं तो उसमें जो है सरलता, सहजता, मधुरता, उदारता लाता है। अगर मैं इसी को अपने जैसे सांप, अंधे और हाथी के कहानी पे अगर मैं चर्चा करूं,
उसका सिंथेटिक विश्लेषण करूं तो कहूं जो साधवाद है वो सिंथेटिकल, नयावाद एनालिटिकल है। सिंथेटिकल मेथड है साधवाद और जो नयावाद है एनालिटिकल मेथड है। सिंथेटिकल और एनालिटिकल, साधवाद शुड बी अप्लाइड इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड नॉट टू नॉन एग्जिस्टिंग थिंग। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता उस पर साधवाद नहीं, जो दिखाई देता है उस पर। जैसे द डॉक्ट्रिन इज फॉर्मुलेटेड इन सेम स्टेट एंड प्रेडिकेटेड। जैसे साधवाद का जो सिद्धांत है वो सात स्थितियों में है। एक एग्जांपल कि जैसे है कि एक जार मिट्टी का बना हुआ है, तो इसके सात रास्ते हैं कि जार मिट्टी का बना हुआ है। तो पहला है स्या दस्ती, इसमें पहला जो स्टेट है देखेंगे कि मिट्टी का मेडी इज बना है मिट्टी का या मिट्टी का बना हो सकता है, इस पे चर्चा कर लें कंफर्म है कि ये जार मिट्टी का बना है या मिट्टी का बना हो सकता है। दूसरा है स्याद नास्ती, ये कहे मिट्टी का हो ही नहीं सकता, नहीं है। पहली चीज है कंफर्म कर दी या मिट्टी का नहीं हो सकता। मेदी में किसी ने कहा चमक रहा था तो जो नेगेटिव बिहेवियर का कहा यह सूर्य का भी बना हो सकता है। सास्ती नास्ती चा जो ध्यान दर्शन का है, अब कहेंगे मेदी इज नॉट, मतलब जार इज मेड अप ऑफ क्ले, मिट्टी का बना है, बना हो सकता है, बना है और सोने का नहीं बना है। तीसरा कि जार जो है सोने का नहीं है, मिट्टी का बना है या मिट्टी का बना हो सकता है, यह तीसरे स्टेज में है। यह देख के एनालाइज करें उसको सिंथेटिकल मेथड से, उसको टेस्टिंग मेथड से। तीसरा फिर वातव्यम, इसमें दो चीजें हैं, मे बी इज इनएक्सप्रेसिबल। मे बी मतलब जार मे बी मेडअप ऑफ क्ले, मतलब जार मिट्टी का हो सकता है, जार इज मेडअप ऑफ क्ले है। नॉट एक्सप्रेसिबल व्हेन बोथ मीनिंग्स आर टू एक्सप्रेस एट वन टाइम, अगर दोनों बात को कह दें कि जार मिट्टी का बना है या बना हो सकता है, दोनों चीजें एक समय तो संभव है नहीं। फिर पांचवी स्टेप में सादस्ती चा अवाक्तव्यम, मे बी इज इनएक्सप्रेसिबल। अगली स्टेप में जाए तो मे बी इज नॉट इनएक्सप्रेसिबल, और लास्ट स्टेप में जाए स्यादास्ती चा नास्ती चा अवाक्तव्यम, मे बी इज नॉट इन एक्सप्रेसिबल, मतलब कि जार मिट्टी का हो सकता है नहीं है, या इन सब की चर्चा नहीं की जा सकती। इस आधार पे जो तो दिया है सही विश्लेषण करके सही बात पे पहुंचा जा सकता है। देखिए जांचें और परखें, जैन दर्शन में आज के लेक्चर में हमने नैखांतवाद, नयावाद और अभी जिस बात की चर्चा की है इसमें पहुंचा। ये तीनों बात किसी भी विचारधारा का विरोध और कॉन्फ्लिक्ट करते नहीं दिखाई देती, और इस विचारधारा में हो किसी के विरोध और अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट से हम अपने आप को बचते हुए अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हृदय से सभी को नमस्कार और सलाम।